शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जम्मू कश्मीर से खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी जानकारी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एसपीओ की गन लेकर एक शख्स लापता हुआ था, AK-47 राइफल लेकर ये शख्स लापता हो गया था, जिसके बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो तेजी के साथ में चलाया जा रहा है। कार से राइफल लेकर एक शख्स भाग निकला, जिसके बाद फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको याद होगा कि 4 दिन में 4 बड़े आतंकी हमलों की वजह से जम्मू कश्मीर ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, ड्रोन की सहायता से अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घाटी को अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में आज एक शख्स एसपीओ की गन लेकर लापता हो जाता है, एसपीओ की AK-47 गन जो कि शख्स लेकर लापता हो जाता है और भाग जाता है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन और ज्यादा तेजी के साथ में चलाया जा रहा है। आपको याद होगा रियासी में आतंकी हमला होता है, जब श्रद्धालुओं से भरी बस को टारगेट किया जाता है, कई लोग इसमें अपनी जान गंवा देते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक 4 दिन के अंतर्गत ही 4 बड़े आतंकी हमले होते हैं, जिसमें से 2 बड़े आतंकी हमले डोडा में होते हैं, हमारे जवान घायल होते हैं। ऐसे में डोडा से ही ये बड़ी जानकारी सामने आती है। आज सुबह जब सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन एक तरफ चल रहा होता है, दूसरी तरफ एसपीओ की गन लेकर एक अज्ञात शख्स लापता हो जाता है, भाग निकलता है। अब इसी शख्स को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन और भी ज्यादा तेजी के साथ में चलाया जा रहा है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई थी, जो कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो ऑफिसर्स थे वो भी थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और AK-47 राइफल लेकर जो व्यक्ति लापता हुआ था उसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।